कोरापुट जिला कोटपाड़ स्थित दमयंती सागर और दीवानी मुंडा पोखरीर विकास निम्ते राज्य सरकार पक्षर् 19,30,30,300 गत 1/11/2023 मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अनुमोदन देते जो समस्ते धन्यवाद देते मुख्यमंत्री को दमयंती सागर विकास 16,72,56,000 और दीवानी मुंडा पोखरी विकास 2,57,74,300 आर्थिक राशि अनुमोदन होती यह अर्थ एसएफसी और सीएफसी मुक्ता उन्नति भली योजना माध्यम रे मिशन शक्ति स्वयं सहायक महिला गोष्ठी द्वारा कार्यकारिता करने पर राज्य सरकार अनुमति देते कोटपाड़वासी तरफ माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक महोदय को आम धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करोटपाड़ बहुत पुरातन दमयंती सागर बहुत समय धरी मैंने गणमाध्यम आसला जनसाधारण डिमांड कर आसुले तार कि भाव पुनरुद्धार कराऊ आज दिवस में आम धन्यवाद दूचु पखापाखि 17 कोटी टंका माननीय मुख्यमंत्री अनुमोदन कर दमयंती सागर पुनरुद्धार पर तेणु आज समस्त माँ मान तरफ कोटपाड़ अंचलवासी तरफ माननीय मुख्यमंत्री को पुणि थे कृतज्ञता ज्ञापन कर सहित दियानमंडा जो रही आउ गोटे सागर तार विकास डीपीआर प्रस्तुत होती पाखापाखि 3 कोटी टंकार अनुदान देखते तेणु दुईट बहुत दिन धरिक जो डिमांड होता से डिमांड आज पूर्ण होता समस्त तरफ धन्यवाद और कृतज्ञता यह अवसर में कोटपाड़ बेलमा साहि स्थित शिव मंदिर निकटे विजु जनता दल एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो नवरंगपुर सांसद श्रीयुक्त रमेश चंद्र माझी और अन्यान्य मुख्य अतिथि उपस्थित रही एक कार्यक्रम को सफल करने सहित मुख्यमंत्री को धन्यवाद अर्पण कर सर्वप्रथमे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँ और फाइवटी अध्यक्ष श्री विकेन पांडेन अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँ सहित माननीय सांगठनिक संपादक श्री प्रणव प्रकाश दास को भी अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँ जे किंतु सर्वप्रथमे आमर बीके पांडेन महोदय 5T अध्यक्ष परिदर्शन करते दमयंती सागर रे एवं कॉलेज रे कोटपाड़ कॉलेज रे भी परिदर्शन करते सेत आसी अनुध्यान करते कि आमर कोटपाड़वासी वयोज्येष्ठ एवं माँ माने एवं बुद्धिजीवी माने समस्ते साक्षात करते लिखित आगे देते से आमर आज प्रतिश्रुति जोटा देते आम माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक एवं 5T अध्यक्ष प्रतिश्रुति देते आज पूरण होती धन्यवाद जनाऊँ मो तरफ कोटपाड़वासी तरफवासी तरफ मो तरफ विजु जनता दल तरफ माननीय ओडिशार मुख्यमंत्री को एवं 5T सचिव बीके पांड्यान महोदय को एवं आम सांगठनिक दायित्व अच्छा प्रणव प्रकाश दास को बहुत बहुत धन्यवाद आम कोटपाड़वासी ये जो ऐतिहासिक दमयंती सागर रही साथे ध्यान मुंडा को पुनरुद्धार एवं कोटपाड़ कलेज को से आम कोटपाड़वासी तरफ माननीय ओडिशार मुख्यमंत्री केंद्रीय सचिव बीके पांड्यान एवं सांगठनिक दायित्व थोड़ा प्रणव प्रसाद को आम समस्त धन्यवाद ये जो बैठक आज चली दमयंती सागर एवं आमर दियानमुंडार नवीकरण पर श्रीयुक्त नवीन पटनायक एवं बीके पांड्यान तत्वधान सब कार्य कर समस्त कोटपाड़ एनएससी समस्त एसएचजी महिला मैंने गर्वित एवं आम तरफ नवीन श्रीयुक्त नवीन पटनायक एवं बीके पांड्यान को धन्यवाद ज्ञापन करम दमयंती सागर पर आम बहुत खुशी तो आम ग्रुप को प्रत्येक ग्रुप को देखते आम से विषय में बेस खुशी अच्छा नवीन पटनायक महोदय ये उपस्थित लगे आम बहुत खुशी तो आई बंध बहुत दिन है पड़ रही एवं बर्तमान उधार रही आम से विषय में आम बहुत खुशी अच्छा कोरापुट रु गजेन्द्र कुमार साहू रिपोर्ट प्रदीन टीवी।